I would like to congratulate all of you who has passed their SSC examination. First of all, I would like to introduce one student from Shirpur. Meher Banu, ये student की speciality आपको इस girls की बताना चाहूंगा, इससे आपके फिर आगे की बात मैं जोड़ रहा हूं। मेहर बानो फर्स्ट टू सेवन्थ जिला परिषद स्कूल में पढ़ी है, शीरपुर जैन, मालेगांव से 15 किलोमीटर दूर, और एट स्टैंडर्ड में शाहबाबू में एडमिशन लिया सेमी इंग्लिश में। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, उसके फादर एक लेबर है और फैमिली में कोई बहुत लोग पढ़े हुए नहीं है। इसके बावजूद उस लड़की ने हिम्मत की और मैथ साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का फैसला किया। शीरपुर से मालेगांव 15 किलोमीटर और मालेगांव से 30 किलोमीटर पातूर, ये डेली अप एंड डाउन करती थी, 45 किलोमीटर जाना 45 किलोमीटर आना। इन हालात में अक्सर उसको और उसके साथियों को, बहुत सारी लड़कियां उसके साथ इस सेमी इंग्लिश को ज्वाइन की थी मालेगांव। सो उस लड़की ने एसएससी के एग्जाम में, टेंथ के एग्जाम में सेमी इंग्लिश से मैथ्स और साइंस के पेपर देने के बाद 96.5 ये परसेंटेज स्कोर किया और अब उसका इरादा आईएएस ऑफिसर बनने का है। तो इसकी मिसाल देने के पीछे मेरा मकसद यह है कि अगर एक लड़की देहात से, एक पुअर फैमिली से, जिला परिषद की स्कूल से पास करके आठवीं से सेमी इंग्लिश लेना चाहती लेती है और फिर वो स्कोर ऐसा लाती है, तो ये न सिर्फ उसके सरपरस्तों के लिए बल्कि उसके गांव और समाज के दीगर तबकात के लिए एक मिसाल है। लिहाजा उसने फैसला किया है कि वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट लेकर वो 11 12 करना चाहती है। मैं इसी की मिसाल देकर आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप मैथ्स और साइंस को हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ें, बाकी आप उर्दू में पढ़ें, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन मैथ्स और साइंस इंग्लिश ही में पढ़ें। अब आप टेंथ पास हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उर्दू मीडियम से भी पास हुए हैं, लेकिन अब जब आपको 11th में एडमिशन लेना है और ये पूरी जॉब सीकिंग एजुकेशन लेना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की एजुकेशन लेना है, तो इसके लिए आपके लिए कंपलसरी है कि साइंस के सब्जेक्ट जब भी लें वो सेमी इंग्लिश ही में लें। उर्दू मीडियम में इसलिए हम साइंस नहीं पढ़ सकते, मिसाल देता हूं, बायोलॉजी का एक टर्मिनोलॉजी है स्टिग्मा, इसको कोई इलाके में उर्दू में कलगी कहते हैं, कहीं पर कोई और नाम से पुकारा जाता है। फिजिक्स में मोमेंटम इस वर्ड के लिए मेयार हरकत उर्दू में, ग्रेविटी इतना आसान टर्मिनोलॉजी है, इसको इसरा बवजे कशिशे सकल उर्दू में ये कहा जाता है। जो सरपरस्त मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो अच्छी तरह समझेंगे कि ये चूंकि उर्दू जुबान स्टेट लैंग्वेज भी नहीं है और ना ही जॉब की, करियर की लैंग्वेज है, लिहाजा आप उर्दू को सिर्फ एक लैंग्वेज की तौर पर पढ़ सकते हैं। इससे आप मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मजामीन बिल्कुल ना पढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शाहबाबू में पढ़ाएं, मगर आपकी मजबूरी यह है कि शाहबाबू ही में
इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम मौजूद है, जिसमें उर्दू के साथ एक लैंग्वेज है उर्दू, और सोशल साइंस उर्दू मीडियम में हम पढ़ाते हैं। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, इसको अगर हम उर्दू में देखें नुक्ताए पिघलाव, तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसकी मैं यहां पर वजाहत नहीं कर सकता हूं टाइम की कमी की वजह से। इसके अलावा आप 11, 12 में जहां पर जो लोग नीट करना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी और फिशरी एक अच्छे ऑप्शन है। जो इंजीनियरिंग में आईआईटी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, मैंने इससे पहले के वीडियो में भी कहा कि इंजीनियरिंग, ये जब तक दुनिया कायम है तब तक इंजीनियरिंग भी कायम रहेगी, लेकिन उसके लिए बेहतरीन नंबरात के साथ कामयाबी जरूरी है। तो आप आईटी ले सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं, और ये सारे मजामीन हमारे शाहबाबू ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मौजूद है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी एमपीएससी के लिए ये बेहतरीन फैकल्टी है। तो अब आर्ट्स के हमारे यहाँ के अगर आप रिजल्ट देखें तो यहाँ का जो टॉपर्स है इस साल का, उसने 85% आर्ट्स के टॉपर ने हासिल किया है। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप जहां कहीं भी पढ़ना चाहते हैं वहां एक सीरियसनेस के साथ और करियर को सामने रखकर और अपने माँ बाप की मेहनत और मशक्कत और उनकी मोहब्बत को अपने जहन में रखकर ही एजुकेशन हासिल करें, यही मेरी अपील है। सबसे बेस्ट ऑप्शन, जैसा ये गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप, जितनी स्कॉलरशिप हम यहाँ लगभग अगर हमारा 5 साल का बजट देखें तो कोई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप हमारे बच्चों के अकाउंट्स में जाती है। अगर आप गेम्स स्पोर्ट्स की जरिए से हमारे बच्चों को 15 नंबर और 17 नंबर और 10 नंबर ऐसे बोर्ड के 10वीं के और 12वीं के एग्जाम में हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा नंबरात मिले। ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन हमारे यहाँ पर सेंटर दिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, यहाँ जो ड्राइंग के इम्तहान देते हैं उनको भी 5 नंबर और 3 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर बोर्ड की मार्कशीट में, जिससे उनके परसेंटेज बने हैं। आप हमारी स्कूल पातूर, आलेगांव और अकोला, इन स्कूलों के अगर बच्चों की तादाद देखें लगभग 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड के एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल किए। तो वो पेरेंट्स जो वाकई संजीदा हैं और जो अपने बच्चों को एक संजीदा माहौल में पढ़ाना चाहते हैं, उनको एक स्कॉलरशिप की हेल्प लेना चाहते हैं, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है हमारे पातूर का जूनियर कॉलेज 11-12 और हमजा प्लॉट का जूनियर कॉलेज, जहां 11-12 फिशरी आईटी ये सब्जेक्ट है। तो मैं इसी बात को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आप अब, और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है सेल्फ रिलायंस और सेल्फ असेसमेंट की ये पेंडेमिक के दौर में, ये आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में एक बहुत बड़ी मदद करेंगे, सेल्फ स्टडी का माहौल खड़ा करेंगे और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आप सबको एक मर्तबा और मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।